नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक कमरे में हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जिससे दोनों की मुलाकात हो सकती है। 2020 में बिहार के चुनाव के बाद भाजपा और नीतीश के रिश्ते खटास की तरफ बढ़ चुके थे। जिस तरीके से जदयू की मीटिंग में यह फैसला किया गया कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए पर्दे के पीछे एक हलचल की गई भाजपा के द्वारा, जिसमें भाजपा द्वारा पोषित लोग ही थे। चिराग पासवान जिस तरीके से पूरे जदयू के जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ चुनाव लड़े और चुनाव में जदयू कमज़ोर हुई, इसका ठीकरा भाजपा पर फोड़ते हुए नीतीश कुमार ने खुद को भाजपा से अलग कर लिया। अलग तो कर लिया, लेकिन ये भी कयास हमेशा लगाए गए कि नीतीश कुमार अब नए गठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ आए हैं तो उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव अपनी कुर्सी को छोड़कर तेजस्वी यादव को देने का हो गया है, जिसमें वो अब असहज महसूस नहीं कर रहे हैं। माने उधर भी असहज थे, अब इधर भी असहज हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं, इसकी कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने हर बार इस वापसी के जो चर्चा है इसे विराम दे दिया। उल्टा अब नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के तहत नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चुनौती 2024 में देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे उनके साथ आने वाले हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अब तक ये सब कुछ डब्बा बंद जैसा लगता है। चीज़ें धीरे धीरे साफ जब खुलेंगी तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। पटनायक ने जिस तरीके से पटकनी दी, या ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं, या साउथ के दल जिस तरीके से सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं नीतीश कुमार से, इससे लगता नहीं है कि कवायद बहुत महत्वपूर्ण या बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचेगी। लेकिन राजनीति है, नीतीश कुमार ऐसे ही भगीरथ की तरह पत्थर पर फूल खिलाने का काम, रेगिस्तान में नदी बहाने का काम करते रहे हैं राजनीति में, और ये आगे भी ऐसा कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इस बीच एक चर्चा ने खास तौर पर ध्यान आकर्षित किया है मेरा। इस चर्चा की वजह से ये लग रहा है कि जैसा कि जातीय जनगणना के तहत नीतीश कुमार गए थे नरेंद्र मोदी के सामने गुहार लगाने, ऐसी ही एक नई गुहार, एक नई अर्जी लगाने नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने पहुंच सकते हैं। ये पूरा मामला दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की कवायद से जुड़ा हुआ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर नीति आयोग ने हर बार जो फैसला लिया है वो बिहार के हक के खिलाफ गया है। ऐसे में विजय चौधरी जो हैं नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों में से उनका नाम आता है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार हमसे सौतेला व्यवहार करती रही है, और जो केंद्र में मौजूद जोड़ी है नरेंद्र मोदी अमित शाह की, ये लगता है कि संवैधानिक जो संस्थान है उनकी शक्तियाँ छिन्न करने में लगे हुए हैं। ऐसे में नीति आयोग स्वतंत्र होकर बिहार को लेकर फैसला नहीं ले पा रही है। ऐसे में हम गुहार लगाने पहुँचेंगे, हम एक टीम बनाकर पहुँचेंगे और विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए मांग रखेंगे। आप सुन सकते हैं खुद विजय चौधरी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। किसको कहाँ परेशानी हो रही है, और जनता दल यू हो या महागठबंधन के हो, हम लोग किसी दल या किसी नेता से कम धार्मिक नहीं है, लेकिन हम लोग धर्म और आस्था को उसी के परिभाषा के अनुरूप देखते हैं। हम लोग धर्म और आस्था को राजनीति में परिवर्तित करके उसका अनुवाद वोट खींचने के लिए नहीं करना चाहते। हम लोग भगवान या धर्म इस सब को आस्था, विश्वास और आत्मबल के स्रोत के रूप में देखते हैं। और आपने तो देश में ये भी देखा कि देश के जो सबसे बड़े प्रतापी नेता हैं, बजरंगबली की जैसे चुनावी सभा प्रारंभ करते थे, ऐसा इस देश ने पहली बार देखा है। ऐसा इस देश ने पहली बार देखा है कि देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठा राजनीतिक व्यक्ति बजरंगबली की जैसे अपना चुनावी या सार्वजनिक संबोधन प्रारंभ करता है, लेकिन उसका नतीजा भी आपने देखा कि बजरंगबली की गदा किधर घूम गई और क्या हश्र हुआ। इसलिए अब तो सीख लेना चाहिए कि भगवान सबके हैं, और जो उनमें आस्था रखता है, जो उनमें विश्वास करता है, उसको वो ज़्यादा सुरक्षित करते हैं।
दिखाने के लिए नहीं, धर्म और आस्था वो राजनीति या वोटों में अनुवाद होने की चीज नहीं है, वो उससे अलग गहरे विश्वास की चीज है। और उसमें जनता दल यू हो या महागठबंधन के लोग किसी दल के लोग से कम धार्मिक नहीं है। आप लोग को भी निमंत्रण मिला है, आप लोग में भी लोग जाएंगे? हमको कोई निमंत्रण नहीं मिला है, और मिला भी है तो जाना या नहीं जाना ये तो व्यक्तिगत विश्वास की बात है ना। और अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।